हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें एक वीडियो चाहिए था कि हमें HPU से BEd क्यों करनी चाहिए। फर्स्टली आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, उस वजह से मैं इस टॉपिक पे जल्दी वीडियो नहीं बना पाई। आई नो कि कल और परसों जो है आपकी काउंसलिंग है, और अभी जिन्होंने फिल करना था फॉर्म उन लोगों ने फिल कर दिया होगा ऑलरेडी, बट स्टिल जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और कई बार ऐसे भी होता है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में ना होके सेकंड काउंसलिंग में भी आपके पास चॉइस होती है कि आपने कहाँ जाना है या किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, मतलब चेंज भी नहीं किया, और वैसे ही मैंने सोचा कि पहले वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक 4 दिन पहले या 5 दिन पहले ये जो है रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था जिस वजह से मैं नहीं बना पाई। आज जाके मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ तब मैं वीडियो बना रही हूँ, और मुझे आज ही पता चला। एक्चुअली मैं इतने दिनों से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी कि मुझे आज ही पता चला कि आपका जो काउंसलिंग है वो कल और परसों होनी है, और उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो जी हाँ, आपका टॉपिक था, आप लोग जानना चाहते थे कि हमें HPU ही क्यों चुनना चाहिए, ठीक है, क्यों HPU से BEd करें। सबसे पहली चीज़ जो कि सभी को पता है कि आपका जो खर्चा है वो बहुत कम आता है अगर आप HPU लेते हो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आपका खर्चा नहीं होता। अगर आप कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस से तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर आप मेरिट में आपका ठीक नंबर है और उस तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और HPU या धर्मशाला दोनों में से तो आपको चलो मिल ही रहा है। खैर, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि धर्मशाला या HPU, तो देखिए वो सबका अलग अलग रहता है, आपको जो जगह नज़दीक पड़ती है कॉस्ट के उससे हिसाब से भी अगर आप देखें, रहने के लिए आपको जो सूटेबल लगता है आपको चूज़ तो वही करना पड़ेगा। अब अगर आपका मेरिट में ठीक ठाक आपका रैंक है तो आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको HPU में हॉस्टल्स मिल जाएंगे, हॉस्टल काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिलता है जहाँ तक मुझे पता है, हॉस्टल की आपके पास फैसिलिटी है, फ़ीस आपकी डेफिनेटली कम लगती है, लेकिन वो आपकी हाँ वो बात अलग है कि धर्मशाला में भी लगती है वो, क्योंकि फ़ीस तो दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस की सेम ही रहती है। हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये डिसीज़न सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत दूर से है, मान लो आपके लिए धर्मशाला और HPU दोनों ही बहुत दूर पड़ता है, तो आपका जो ओवरऑल खर्चा है, और आपको हॉस्टल नहीं मिलता है मतलब, तो आपका जो ओवरऑल खर्चा है वो उतना ही आ जाता है जितना एक प्राइवेट कॉलेज से BEd करने के बाद होता है। पर हाँ, थोड़ा सा माहौल का फ़र्क होता है, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे पढ़ाई का माहौल मिलता है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी जो मैं बोलूँगी क्यों, मैं आपको जो है बहुत अच्छी लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिल जाती है, और बहुत सारे सेक्शंस है, आप पढ़ सकते हैं जब आपका जैसे एक्स्ट्रा टाइम आपका बच जाता है। आई थिंक धर्मशाला में भी है लाइब्रेरी, मेरे साथ ऐसे मेरी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ क्लासमेट्स हैं जो लोग जब फर्स्ट डे आए थे तो वो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते थे, मतलब उनके लिए धर्मशाला नज़दीक था वैसे करके, तो वो लोग वापस जाना चाहते थे, कुछ लोग थे ऐसे। कुछ दिन बाद जब उन्हें चॉइस दी गई तो वो नहीं जाना चाहते थे, उनको लगा कि नहीं यार ठीक है यहीं पर ठीक है। तो बाकी डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए धर्मशाला बिल्कुल सूटेबल नहीं था, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, और शिमला में मैं ऑलरेडी मेरा रूम था जिस वजह से मुझे जो हॉस्टल का भी उतना कुछ खास वो नहीं था, तो वो सारी चीज़ें थी उस वजह से मैंने चूज़ किया। और फिर डेफिनेटली मार्क्स भी ठीक थे कि पहले ही आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग है उसमें मिल गया था, कई लोगों को सेकेंड में भी मिला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो वो चीज़ है। अब तो आपको थोड़ा सा वो सारी जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको अपना रैंक भी देखना पड़ेगा। अगर आप हॉस्टल दूर से आ रहे हो तो कुछ लोग होते हैं जो हॉस्टल का सोच के आते हैं, तो हॉस्टल आपको तभी मिलेगा, आपको पहले अपनी स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, फिर आपको आपकी स्ट्रीम के बाद भी आप लड़का हो लड़की हो कैटेगरी, क्योंकि उस बेसिस पे कई बार ऐसे होता है कि आपको वैसे करके हॉस्टल मिलते हैं। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल मिले हैं, सेकेंड जो होता है जैसे अभी हमारा सेकेंड ईयर चल रहा है, तो अभी भी बहुत सारे लोगों को जिनको लास्ट ईयर नहीं मिला होगा किसी रीज़न से। अब जैसे कॉमर्स में हमारे साथ एक दो को मिला है, मतलब एक लड़के को एक लड़की को मिला है, पांच ही तो होते हैं क्योंकि, लेकिन मेडिकल नॉन मेडिकल में बहुत सारे लोगों को मिलता है। अब वो फिर आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, उस बेसिस पे। तो इस तरीके से है, बाकी स्टाफ अच्छा है,
और यहाँ पे बहुत अच्छा एक माहौल सा मिल जाता है, मतलब आपको बीएड के साथ साथ बाकी भी आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं, यू नो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्कॉलर्स से इंट्रैक्शंस होती है बहुत ज़्यादा, और भी फील्ड के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं एचपीयू कैंपस में, उनसे भी इंट्रैक्शंस होती है। अभी मैंने इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकली सोचा नहीं था, तो मुझे जो जो चीज़ें याद आ रही है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर कुछ और होगा तो मैं वो भी बताऊँगी, पिन कमेंट कर दूँगी अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इतना ही है अभी तक तो फिलहाल, तो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। अभी तो वैसे सबका रिजल्ट या सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, कई लोगों को लेकिन सेकंड काउंसलिंग पे भी मिलता है, तो आप देख लीजिए। अब जैसे कुछ लोगों का ये है कि उनको धर्मशाला मिल गया है लेकिन उनको एचपीयू चाहिए, तो वो ये देखना चाहते हैं कि हमें सेकंड काउंसलिंग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, आप ये चीज़ सिर्फ रिस्क पे कीजिए अपने, क्योंकि क्या होता है अगर आपने अभी धर्मशाला में एडमिशन नहीं ली, और भगवान ना करे अगर आपको नहीं मिल पाई एचपीयू में एडमिशन सेकंड काउंसलिंग में, किसी ने नहीं छोड़ा या कुछ भी ऐसे हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस कंडीशन में फिर आप गवर्नमेंट सीट से हाथ धो बैठोगे। तो ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के करना। हमसे आज ही किसी ने पूछा था, उनके आई थिंक कुछ मतलब ठीक मार्क्स थे और धर्मशाला में एडमिशन हो चुकी है, बट उनको ये था कि एचपीयू में एडमिशन हो जाएगी कि नहीं होगी। तो बात वही है कि ठीक है, हो सकती है लेकिन श्योरिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कहीं ये ना हो जाए कि एचपीयू के चक्कर में धर्मशाला भी हाथ से चला जाए। तो अभी जो है कल काउंसलिंग है, तो सोच समझ के सारी चीज़ें कीजिएगा, और बाकी बस इतना ही है। एंड डिले के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे लगा कि शायद जैसे और जो एजुकेटर है जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए वीडियोस बनाते हैं कि लोग उनसे जानना चाहते होंगे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा जो है वीडियो की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। और अभी मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो है एग्ज़ाम चले हुए थे, अभी 13 को लास्ट एग्ज़ाम था, तो हम लोग काफ़ी बिजी थे। उसके बाद थोड़ा ही टाइम मिला था हमें, फिर अभी पिछले कल से यानी कि 19 से हमारा स्कूल शुरू हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिजी सा शेड्यूल हो गया है, और दैट्स ऑल। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट कर लिया कीजिए टाइम से, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है, 1-2 दिन। अब ऐसा कुछ अर्जेंट होगा तो मैं डेफिनेटली फटाफट से वीडियो बनाऊंगी, इससे पहले नहीं हो पाया क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ पे, आउट ऑफ सिटी थी। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, कोई और दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।